हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि वर्मा और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सेल के बारे में, जिसे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सॉरी, यहां कुछ पॉइंट्स हैं, यहां देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं। इन्हें पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे और फिर इनका मीनिंग हम समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दीज पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। मीनिंग इसका ये हुआ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल्स से बनी होती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि कोई बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम, मतलब सेल का मीनिंग है लिटिल रूम, सेल वर्ड का मीनिंग है लिटिल रूम। और थर्ड पॉइंट है, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाकी के जो दो पॉइंट्स हैं इन्हें आप पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देर इज़ नथिंग टू डिस्क्राइब अबाउट दिस। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए व्हाट इज़ अ सेल। एक बात तो क्लियर है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई होती है, बट सेल्स हैं क्या? ठीक है, तो अगर हम प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि तीन तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी की बॉडी किससे बनी है? सेल्स की बनी है। तो इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं इन इमेजेस की हेल्प से। देखिए, यहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इमेज, एक फोटोग्राफ बना हुआ है, राइट? और ये है ह्यूमन बेबी। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनिमल की बात करें तो उसकी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स की बनी हुई होती है, ठीक है? तो यहाँ एक जो पिक्चर है ये एक सिंगल ऑर्गन सिस्टम दिखाया गया है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो किसी भी एनिमल की बॉडी जो है वो मोर देन वन ऑर्गन सिस्टम्स की बनी हुई होती है। नाउ ऑर्गन सिस्टम क्या है? दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर बिग फंक्शन, राइट? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑर्गन सिस्टम है वो कई सारे ऑर्गन्स का बना हुआ है, ठीक है? और ये सारे ऑर्गन्स मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो उसमें तरह तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनो जेनिटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज़ एन ऑर्गन। ऑर्गन इज़ इन टर्न अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो कि कई सारे टिश्यूज़ से बना हुआ होता है, और जब ये सारे टिश्यू मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम ऑर्गन कहते हैं, ठीक है? तो हम समझ गए कि ऑर्गन इज़ इन टर्न मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। उनमें से एक टिश्यू यहाँ ले लिया, व्हाट इज़ अ टिश्यू? अब यहाँ देखिए, टिश्यू जो है आपको नज़र आ रहा है कि कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स का बना हुआ है, ये हैं सेल्स। तो वी कैन से दैट द टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विच टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो देखिए, यहाँ पे एक सिंगल सेल दिखाई गई है, बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यू। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं जो अभी मैंने इस इमेज में आपको डिस्क्राइब किया है, कि क्या डिस्क्राइब किया है, चलिए रिवर्स चलते हैं, कि कई सारी सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बनाती हैं, ऑर्गन्स कई सारे मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी या सॉरी किसी एक एनिमल की बॉडी बनाते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज़ अ सेल? तो यहाँ हम समझ जाते हैं कि सेल क्या है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो वो बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बना है, उसे हम कहेंगे सेल्स। तो हम सेल्स को क्या मान सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स। तो जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग ब्रिक से बनी है, उसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है बहुत सारी सेल्स से बनी है। सेल्स ने मिलकर के टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ने ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने क्या बना दिया? एक पूरी पूरी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट? तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ अ सेल। अब देखिए, फिर से वापस चलते हैं। यहाँ इस पॉइंट में हमने पढ़ा था कि सेल इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी, सॉरी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो पहले समझते हैं इसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो देखिए, इस इमेज में अगर हम बात करें इस बॉडी की, तो इसकी स्ट्रक्चर किसने बनाई है, किन यूनिट से बनी है? सेल से। तो हम इसलिए सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। वी कॉल द सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, राइट? अब नेक्स्ट समझते हैं कि व्हाई द सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, रीज़न क्या है। अब देखिए, एक ऑर्गेनिज्म अगर है, जैसे कि ह्यूमन बींग, प्लांट या एनिमल, तो वो लिविंग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर लाइफ है। और लाइफ क्यों है? क्योंकि
उसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़, कई सारे फंक्शंस हो रहे हैं जिन्हें हम लाइफ फंक्शंस कहते हैं। वो फंक्शंस कौन से हैं? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स, इसके अलावा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन्हें भी आप इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं इन्हें लाइफ फंक्शंस कहा जाता है, और इन फंक्शंस के होने की वजह से ही कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। इन फंक्शंस को करता कौन है डियर स्टूडेंट्स? किसी ऑर्गेनिज्म में इन लाइफ फंक्शंस को कौन करता है? उनकी सेल्स। तो क्योंकि सेल्स आर द थिंग्स, आर द यूनिट्स विच परफॉर्म लाइफ फंक्शंस एंड मेंटेन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई द सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से हम समझ गए कि वाई द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए तो यहाँ देखिए इस पिक्चर में देखते हैं, इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा कि नॉट ओनली द एनिमल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स बट प्लांट बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। देखिए यहाँ पे प्लांट बॉडी जो है तरह तरह के पार्ट्स या ऑर्गन से बनी है, जैसे कि एक लीफ, लीफ कई सारे टिश्यूज से बनी है और टिश्यूज़ में कई सारी सेल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो क्लियर हो गया है कि बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। यहाँ देखिए एक पिक्चर है जिसमें कि दिखाई गई है एक ब्रिक जो कि वॉल से बनी है, और यहाँ पे अनियन को का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है, अनियन पील का। यहाँ बहुत सारी सेल्स मिली हुई हैं और मिलकर के क्या बना रही हैं? अनियन या अनियन पील। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्लियर समझ जाते हैं कि व्हाट इज़ अ सेल। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए सेल चैप्टर को समझते टाइम, देखिए मैंने आपसे बात की थी लाइफ फंक्शंस के बारे में। वो लाइफ फंक्शंस क्या हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इसके अलावा और भी एक दो हैं जो इस लिस्ट में मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। ये जो फंक्शंस हैं किसी भी चीज़ को लिविंग बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, अगर इन सारे पॉइंट्स को हम देखें तो ये क्या कहलाते हैं? इन्हें हम कहते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो अगर कोई चीज़ लिविंग है तो उसके अंदर ये सारे फीचर्स होने चाहिए। क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर है दैट द लिविंग थिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल एंड इट शोज मेटाबॉलिज्म एंड इट परफॉर्म लाइफ फंक्शंस, राइट? तो कोई भी चीज़ लिविंग तब होगी जब उसके अंदर ये सारे के सारे फीचर्स होंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि लिविंग थिंग्स वो हैं जिनके अंदर सेल्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स वो हैं जिनके अंदर सेल्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे लिविंग एंड नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में सेल्स नहीं होती हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, कोई लाइफ फंक्शंस जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब नहीं होते हैं। हालांकि कभी कई बार नॉन लिविंग थिंग्स कुछ एक्टिविटीज़ शो कर सकती हैं जो कि आपको देखने में लगेंगी रिप्रोडक्शन या ग्रोथ की तरह, जैसे कि रेत का पहाड़ बहुत सारे मटेरियल के डिपोजिशन की वजह से बड़ा हो सकता है, बड़ा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो ग्रो अप कर गया, या फिर कोई एक चीज़ टूट करके दो नई चीज़ों में डिवाइड हो सकती है, कोई एक स्टोन जो है वो टूट जाएगा और दो नए स्टोन्स में, दो अलग अलग स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह इसको हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो आज का ये टॉपिक यहीं मैं समाप्त करता हूँ, और सेल से जुड़े हुए और टॉपिक्स के लिए मैं आगे वीडियोज़ बना रहा हूँ, आप उन्हें देखते रहिए। टिल देन टेक केयर।